हेलो फ्रेंड्स, आई एम मीनाक्षी, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अक्सर लोगों का एक क्वेश्चन आता है कि अगर मान लो उन्होंने कोई डिलीवरी में स्टॉक बाय किया है और वो उसे नेक्स्ट डे ही सेल करना चाहते हैं, तो उन्हें ये लगता है कि क्या वो उसे नेक्स्ट डे सेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और अगर कर सकते हैं तो उनको जो मार्जिन है वो कई बार कम शो होता है, तो इसका क्या रीजन है। तो इस वीडियो में मैं आपको आपके इसी क्वेश्चन का आंसर दूंगी, तो वीडियो में एंड तक जरूर बनिए रहिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि क्या आप अपने डिलीवरी के स्टॉक को नेक्स्ट डे सेल कर सकते हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स, सेबी के रूल के अकॉर्डिंग पहले रूल जो था वो T+2 का था। इसका मतलब ये था कि आपने जिस दिन ट्रेड लिया है उसमें +2 nights आपको स्टॉक जो है वो अपने पास रखने होंगे और उसके बाद आप उसे सेल कर सकते हैं। लेकिन अब नए रूल के अकॉर्डिंग T+1 आ गया है, जिसमें आपने जिस दिन ट्रेड लिया है आपको 1 night तक आपको उसके अपने पास रखना है, आप उसके बाद सेल कर सकते हैं। तो आप अपने डिलीवरी के स्टॉक को जिस दिन आपने लिया है उसे नेक्स्ट डे इजिली सेल कर सकते हैं, आपको कोई इश्यू फेस नहीं होगा। और रही बात मार्जिन की, तो मार्जिन जो है वो आपको जिस दिन आपने अपने स्टॉक को सेल किया है उससे नेक्स्ट डे आपको अपना पूरा मार्जिन शो हो जाएगा, प्लस जैसे भी आपने प्रॉफिट या लॉस में सेल किए हैं अपने स्टॉक को, उस हिसाब से आपका मार्जिन जो है वो दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपके इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया होगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना के आपको जरूर बताऊंगी। तो ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।